आज हम सब यहाँ पे एक खास मौके के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय खुशकिस्मत है, हम सब खुशकिस्मत है क्योंकि हमारे बीच एक महान हस्ती मौजूद है आज, जो कि हमारे देश के ताज जब जिसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर, वहां पे हमारे देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों में से एक जवान हमारे बीच मौजूद है, जो आप सबको, हमारे युवाओं को देश की सुरक्षा में फौज की जो योगदान है, और आप सब भी कैसे वहां पे जाके देश की सुरक्षा में अपनी योगदान दे सकते हैं, उसके लिए आप सबको प्रेरित करेंगे। भारत सरकार के द्वारा भी एक नई योजना जो है अपनी भी, उसके बारे में भी बताएंगे, अपने जीवन के बारे में भी बताएंगे। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए बुलाना चाहूंगा सर सभी बोलिए जय हिंद। जय हिंद। हाउ इज द जोश? जोश गुड। मु चाहु कि तमे माने जेंति तमे संग को भेटले जेंति हाउ आर यू पचारो, हमें कौन पचारो? हाउ इज द जोश? ठीक है। हाउ इज द जोश? हाय सर। जेता बिल्ट अप करबो मु जहाँ कही भी सर कंपलसरी नहीं, किंतु मु मेन मकसद है यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो आई वांट टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस। बुझ पड़छ? यस सर। तुम्हारा फिजिकल फिटनेस मेंटेन करो, तुम माने आगर भविष्य का कालीर भविष्य हैला, जो माने भलो पढ़ा पढ़ी करछन, मु एटी टाइम की कहली मैक्सिमम मोर बड़े समस्त स्ट्रगल करके गान बसछन, हमें छोट लेवल मिडिल क्लास पर्यटन आसता, से हिसाब से आपको इन्सपायर कर मैंने एन डी एस इंडीएस किंवा यूपीएससी ओएस है, से मैंने लेवल करेंगे से बहुत बहुत मानने वेल विशेष करना है। ठीक है, अच्छा मुझे जाऊँगी बर्तन बेस समय लेवानी कम टाइम अच्छे, तो मेन कनसेप्ट जा अग्निपथ। अग्निपथ के सुनी ना फिल्म नु आर्मी नेवी एयरफोर्स मैंने एयरफोर्स नॉन कंसर्न्ड अफसर नॉन कंसर्न्ड अफसर पर्यटन जो बर्तन चली जो मैंने प्रोडक्ट आसो यूर जो मैंने बाहर की आसबे से कौन कह समस्त को देखा जाउछ? यस सर। ये स्कीम रु जो माने प्रोडक्ट आसीबे, जो माने बाहर की आसीबे, जो माने सिलेक्टेड हेबे, से मानु को कोन कोआबो? अग्निवीर। एटा हमरो स्कीम टा कोन कोथिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रांच हमर अछि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से डिसाइड करला जे एज ऑफ नाउ मतलब आजिरो डेट रे बिलो 25 इयर्स कम से कम हमरो 52% अछंती आजिरो डेट रे सॉरी 25 इयर्स 34%, 30 इयर्स ना 52%, और बिलो 40 इयर्स 51 अप्रोक्स एथिक हमर युवा अछंती हमर कंट्री सेट में कौन वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, यंगेस्ट कंट्री माने बहुत युवा कंट्री हमर वर्ल्ड में हैला, 2030 सुधा हमर कौन हो ना बिलो 25 जो पर्सनल्स रहेंगे कि पुआ झी रहेंगे
50% हम टोटल पॉपुलेशन रे केते परसेंट हम 2030 समस्त को एम्प्लॉयमेंट देबा किबा चाकरी देबा किंतु समस्त को एंगेज करबा पॉसिबल न हो करबे केबे भी काहेकि ना 2030 हमर अप्रोक्स 150 करोड पॉपुलेशन जाइतिलो सेते बेले बुझबला तो सेति पई देई होबनी तो सरकार कोन करछि यार बेनिफिट्स कोन कोन बेनिफिट्स आमर जो गोटे एवरेज आस बर्तमान कौन होना 17 इयर्स रे गोटे पिला फॉर एग्जांपल मुझे जा 17 वर्ष जाऊँगी 4 वर्ष जदि करके आसूसी से टोटाल 21 वर्ष से पलि आस रिटर्न होकर आस बर्तमान पाने अच्छा तुम देखु गाँव गहली 21 वर्ष पिला पर्यटन कौन 21 वर्ष पर्यटन कौन हो पाने खेलकूद टाइम बाहर कर दूसरे जना पड़ ना नहीं से यहाँ गोटे आपण को गोटे मानने मोटिवेट टाइप र ये कौन कौन बहुत प्रकार फायदा भी अच्छी। अच्छा प्रथम जून 22 14 जून 2022 रे हमर एटा इम्प्लीमेंटेशन हैला आगुरु घोषणा कला किंतु हमर इम्प्लीमेंटेशन केते बेल तो हैला 14 जून 2022 रो हमर टोटल ये कराला इम्प्लीमेंट कराला ताको एनरोल धीरे धीरे होछ 10 लाख यूथ को 10 वर्ष भितर ताको एंगेज करा होइ छरे हैला प्रति 4 वर्ष ले सर्कुलेटर समस्त एमिति नहीं होचे 4 वर्ष पर समस्त पड़े आसीबे 100% जदि पिला जाउछन्ती तो 25% पिला बढ़े रेगुलर आर्मी को जीवे 4 वर्ष पर से कौन करेंगे परमानेंट रिटायरमेंट है पर्यटन करेंगे मानने अप टू तर कलर सर्विस जिते जिते पर्यटन सर्विस पूरा मिलती है से पर्यटन करेंगे कौन ना ये कौन हम मॉडर्नाइज इंडियन आर्मी को कौन करा मॉडर्नाइज कराव जो आपण को स्किल्ड वेल ट्रेन्ड वेल डिसिप्लिन्ड यूथ आस जिते बेउडा बुझ पार्छ बेउडा बदमाश बुझ पार्छ हाँ जिते सब बदमाश पिला अच्छा माने ये जो माने जो एरिया में रोक ना कहीं आमर डिपार्टमेंट को आसला बिलकुल सीधा करते वेल डिसिप्लिन्ड बुझे तो से कौन सी तुमको मान कौन कह वेल डिसिप्लिन्ड बाहर से हैला तो यहाँ गोटे हम 4 वर्ष पर जदि अल्टीमेट रोटेट होती 75% जाऊँच पुणी 100% आसपी 75% जाऊँच तो सब पाला कौन हम ना गोटे भल जब अपॉर्चुनिटी मिले हैला कौन से कौन फायदा हम एक तो तुमको दरमा भी मिलला आपन को कंपेनसेसन बोल कि दब सरकार तरफ है तो 11-12 लाख जब मिलूँ से आउ कौटी भी सेटल भी हो पारे रिसेटल हो पारे रिहेल हो पारे जो जगह भी जेकोसी कम भी करें दस 1 लाख टाइम कम है नहीं ना स्मॉल बिजनेस आइडिया लगे कि निजे दुकान देखिए किसी छोट छोट बिजनेस करके भी निजे पर चल पारे मेन मकसद है गाँव गाँव भितर जो पाने आसुँ कहीं यहाँ से मैं पसिबल जो मैंने हु कैन बेयर द मेंटली स्ट्रेस टेंशन एंड हार्ड वर्क जो मैंने करेंगे से मैं यहाँ बहुत वैल्युएबल जिनस गोटा कमान करेंगे जो मैंने गाँव रू उठिक आज मैंने काम कर पिला बेलू ना नहीं अच्छा ये दीटा तीन मेंटली इकोनोमिकल के भी मेंटली भी प्रिपेरेशन आम ट्रेनिंग सरला कौन तुमको गोटे मेंटली मैच्योर हो पार जे मुझे स्ट्रेस ये कर किसी आपण इकोनोमिकली फायदा थी पाखे पैसा थी कि तुम जाने किसी कर अच्छा मुझे जदि आप दीटा दीटा एनल अच्छा मुझे ट्रेड्समैन विषय में जीवन ट्रेड्समैन भी गोटे जब कितु से मैंने कौन करती सपोर्टिंग स्टाफ हिसाब से कम करती किमती करती किए रंधब किए चुट्टी काट किए से ट्रेड्समैन क्लरिकल जब है तो से जीवनी मोर कह मतलब तुम मैंने जिते सब स्टूडेंट्स मैंने कम से कम 14-15-16 वर्ष हो ना नहीं आमर एटा आरंभ होते 17 वर्ष 6 मस रु आरंभ हो 21 इयर्स पर्यंत चलो है वर्ष 21 इयर्स पर्यंत चलो 21 इयर्स प्राय पिला ग्रेजुएशन भी सरी मैक्सिमम ग्रेजुएशन सरी जाए प्राय ना नहीं से भितर तुम जब भी कर रिटायरमेंट भी पड़े आस
आसला पर भी तुम पढ़ी पार एमती ना तुम कलेज तीन वर्ष ड्रप हो गल तुमको एडमिशन नबनि तुम चाहिए आगे पढ़ी पार बिजनेस जहाँ किस कर मोर मेन मकसद है पिलांकर फिटनेस लेवल केमती मेंटेन हम है केमती से मैंने ग्रोथ करेंगे भल फिटने रेह भल रहा कहीं हेल्थ इज वेल्थ सब बड़ संपत्ति कौन आम तो हेल्थ को कमी मैनेज करमती मेन्टेन करके रख अलग क्लास के फिजिकाली आसा मुझे है अच्छा ये कौन कौन बेनिफिट्स मिल कहूँ आप टोटाल जिते बड़े चार वर्ष करके आस रेबले चार वर्ष गलापर आसब आमको कौन दरमा मिल ना नहीं फर्स्ट ईयर तुम दरमा हम 30,000 या सहित तुमको खाइबा रहा जावा आसवा सब सरकार अलग दब से सब काउंटेड नहीं ना ये है 30,000 दब फर्स्ट ईयर 30,000 रे 30% के 9,000 है ना तो 9,000 कौन कर 30,000 रे तुमको 9,000 काटे पड़ो तुम पेंशन सरकार भी से दब फर्स्ट ईयर तुमको है ना कहीं तुमको जितेबाला रिटायरमेंट आसव जो मैंने भल करेंगे से मैंने 4 वर्ष पर आगे बढ़े जो मैंने परफॉर्मेंस दे पारे से कौन करेंगे जो 4 वर्ष पर आसवे तुम 30% पैसा के पेंशन कटो ता सहित सरकार भी से दब प्रतिमास सेकेंड ईयर कौन हम सेकेंड ईयर तुम पेमेंट के बनी पुणी तार 30% के 9,900 पुणी सरकार तुमको दब प्रतिमास दब कहीं तुम फ्यूचर पर तुम रिसेटलमेंट देमती थर्ड ईयर यार 30% सेम के हम यार 30% के 10,900 सरकार पुणी से जमा कर तुम बोली पुणी फोर्थ ईयर रे तुम भी 30% कटिव प्लस सरकार के दब कहूँ बोली तुम मैंने इंस्पायर हेनि मोर मेन मकसद है तुम मान फिजिकल फिटनेस केमती मेंटेन रहो मु चाहूनी तुम जदि वॉल्यूंटरली आसव वेल एंड गुड ना भी तुम फिजिकल मेंटेन रहे टोटाल तुम के जमा कर 5,02,000 सरकार भी दब 5,02,000 चार वर्ष इंटरेस्ट के टोटाल मिसिकी अप्रोक्स 12,00,000 पाखापाखि बनी जीवो जोड़ा तुम आसला परे तुमको रिसेटलमेंट पाई हो किंबा तुम्हें अगेन बिजनेस करी निजे आगो को पढ़ाई करी पारिबो हाँ या सहित गोटे सर्टिफिकेट दबो कौन अग्निवीर कौशल सर्टिफिकेट है जो थे तुम कैपेबिलिटी हिसाब से बैंक लोन्स दबो तुम्हें कौन करवाक चाहछ से हिसाब से तुमको 101% लोन दबो सेटा गोटे प्रोविजन अछि हला से इतरे कौन करिवो ना अग्निवीर कौशल सर्टिफिकेट गोटे मिलिवो हला से इतरे कौन कर परिवो तुमको सरकार तुमको कौन कर सरकार जेति की दरकार तुम्हार कैपेबिलिटी हिसाब से लोन प्रोवाइड करिवो आगु को चाहिए तुम पढ़ाई भी कर परिवो बिजनेस भी कर परिवो जहां भी कर हला अच्छा ये कौन कौन फायदा 10% परमानेंट रिजर्वेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड माने मिनिस्टर ऑफ जो होम अफेयर्स अच्छे ना से कौन आसो
सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जितने प्रकार सब पोस्ट गार्ड, इंडियन पोस्ट गार्ड से चीना, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और कि वह प्राइवेट सेक्टर है जो, वर्तमान प्राइवेट सेक्टर है जिन्हें हमारा महिंद्रा एंड अंबानी सहित हम लड़े ऐसा लड़े से माने भी एनरोल करें जो माने अग्नि की राशि विचारी वजह करें से माने को भाई कितने परसेंट से अनाउंस करी ना थी किंतु नेचुरली जो है स्किल आओ डिसिप्लिन सोल्जर जितने बड़े बाहरी को चली वजह ट्रेनिंग करना पड़े ताकि प्रिफरेंस सब प्रकार कंपनी को किमा पारमेंट्री प्रोसेस हो बुझ पाला से मानो प्रिय लिखित हो नहीं तो सेटा ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सर नहीं तो हमारे बेनिफिट कौन सुन समस्त को कम मिले किंतु समस्त को मिले मौका जिनकी सरकार चाहती समस्त को तो परमानेंट प्री परिवहन जो सीधे से अल्टीमेटली रोटेट करने को चाहती इतने और कौन फायदा तो आप तो बड़े सर्टिफिकेट करो से एमिटी भी तभी कॉल कर ले मानो तो फॉर एग्जांपल जाने 10th पास एक पड़े से 10th पास नहीं भी जाएगा तो सोचिए डिग्री कौन करूंगा 10th पास कला पर मध्य तो मैं चाहिए पाई टोटल 45% है वादा तर मार्क्स एवरेज ईच सब्जेक्ट के कितने परसेंट है वादा तर 33 अग्नि भी सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी ने जमाने जान दी जमाने जमाने का काम के लिए ड्यूटी दे दे समान है कौन कर देगा 10th पास कला पर भी एक करके समान को फायदा कौन मिलेगा ना 12th पर सर्टिफिकेट मिलेगा कॉल माने कॉल कंप्लीट इंडियन आर्मी रे जते सब कोर्सेस होउची किमा ट्रेनिंग होउची सेटा करो कॉल पर इक्विवेलेंट हैला कॉल बराबर सर्टिफिकेट ताको बला पर मते तुम ग्रेजुएशन की कर करियो असला पर 10th पर डायरेक्ट सर्टिफिकेट लेके असला ग्रेजुएशन कर करियो डिप्लोमा कर करियो है ना बैचलर्स डिग्री जे कोनसी कर करियो अच्छा आउ गोटे है जेंती हमारो फॉर एग्जांपल एज एम ए सोल्जर मैं सोल्जर हूं आउ मोर किछि बाय में जदि सर्विस ऑन सर्विस के कहि जाउ छी तो हमें कहते कंपनसेशन दउ छी सरकार 1 करोड़ के दे दउ छी सरकार खाली हमारो एज एम 1 करोड़ दबो बाकी बाकी प्रकार बाकी सब प्रकार जते सब डिपार्टमेंट्स छी मानो तो वो जेएनके रे जॉब तो की वर्तन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर सरकार मंत्री से दबो ओडिसा सरकार को कोडा अलगा जहाँ भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलो तमे देखि दिबो सब हमर जते सब मार्केट सेक्शन सॉरी से मानो तो नारे फैक्टर बम गैस एजेंसी सालर ठीक को देखि सुनि दिबो सब छोट छोट पिला जानि न देखिबो कि बडा होले सही वर्तमान नायक पेट्रोल पंप अछि न तो एमटी सब बहुत जगह अछि तो ए ए ए ए ए फैसिलिटीज भी से मानो को मिलबो जमाने अंडर ट्रेनिंग या अग्नि के स्कीम के कॉल चल रहा है ना अच्छा समस्त लेख के बहुत सुनी थी बात मिस कर के कुछ चल दीजिए 40% पर पड़े ऐसे बोल के मतलब कोई भी को कहते 10% तो अधिक वकील ना आते जो हमारे 25% भीतर जॉब कर चल दी का सेल्फ एम्प्लॉयड कर चल दी नीचे जॉब कर चल दी कि बार निजे बडे टाइम पर जे केते 100 जब दी जब तमे 25 वर्ष हला तो रिटायरमेंट के आसे के अगले कंपनी भी लागी छे बुझला सर यार मेन ऑप्शन मेरा कौन मेन ऑप्शन देवा 17 एंड हाफ इयर्स तो नहीं की 21 इयर्स पर्यंत अछि जो के तमे खेल बोले रे टाइम पास हे जो 21 इयर्स जणा पड़ी नहीं केते बडे हिलो तमे जाओ चेष्टा करो हला किछि न होले किछि कथा नहीं एफर्ट करो नॉलेज भी फिजिकल मेंटेन रखी हो हला फिजिकल कहिले सब प्रकार सब रूप कहिले ना सब रूप बड़ा सब दिन हम सब अग्नि पर नॉलेज का किसी का नहीं अग्नि भी क्लियर कर कर किसी का नहीं कम से कम हमारा फिटनेस लेवल हाई नहीं है ना नहीं इधर कोटे फायदा अच्छा मचे आउ किछि बुझिबा को चाहू छै या वैसे नै कि मु तमको प्रथमे गोटे जिंस कहि दिले कार्डियो वास्कुलर ए एक्सरसाइज कोनो यार मने बहुत बड़ा चैप्टर अछि बहुत बड़ा पीरियड मिलबो मु तमको कहि
एक्सरसाइज करने हमर मेंटली मसल वाला आ जो मेन हमर डाइजेस्टिव तीनटा पे केंती इंप्रूव कर दियो मु देखि सर रिक्वेस्ट करबी मते केते बेले अगेन आ अदवंडा कोले समाज पे मु सेटा इलान को भाई मु बडा एगी करके आसी एक्सरसाइज करके आसी भी जणाईबी फिजिकल फिटनेस केंती रखिबो आ एटा मु मैं इंट्रोडक्शन दिया नहीं था मु मोर इंट्रोडक्शन दे नथिली कोन मु केदारनाथ साहू वर्किंग एज ए जूनियर कंसल्ट अफसर इन इंडियन आर्मी फ्रॉम लास्ट 21 इयर्स ठीक है मु ऑलरेडी मोर 21 इयर्स मु सर्विस मोर एलाई शायद ये जन्म इतो कि नहीं से तो बड़े 2000 टेक्निकल इंजीनियरिंग ऑफिसर है ना डायरेक्ट कैप्टन जी सर है ना इनको दानों को ये करते हैं मैं लोग हार्डवर्क आओ बंगाली के अपने को कैप्टन जी माने कैप्टन जी दौड़ी माने दौड़ी साइलेंस सेकंड सर वेरी गुड नहीं आई के निकल पसंद आओ बंगाली कंट्रोल में रखो